फतेहगंज पश्चिमी कस्बे के मोहल्ला साहूकारा में स्थित सरस्वती शिशु मंदिर विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम बड़ी धूमधाम से मनाया गया। प्रधानाचार्य दयाशंकर शर्मा सभी छात्र छात्राओं आठ जानकारी दी और बताया, वृक्ष हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान है। इन वृक्षों से हमें पढ़ने लिखने के लिए कॉपी किताब एवं रबड़ पेंसिल आदि चीजें पेड़ों से प्राप्त होती है और हमारे जीवन को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह है ऑक्सीजन पेड़ों द्वारा प्राप्त की जाती है। हाँ सर, आज के बारे में कुछ जानकारी देंगे? आपके स्कूल में आज प्रोग्राम हुआ था वृक्षारोपण का, इसके बारे में आप कुछ जानकारी देंगे? जी आज नहीं, पहले तो आप अपने नाम बताएं सर। जी, दयाशंकर शर्मा। स्कूल का नाम क्या है सर आपका? सरस्वती शिशु मंदिर फतेहगंज पश्चिमी बरेली। अच्छा, क्या प्रोग्राम हुआ सर आज आपके स्कूल में? आज अपने विद्यालय में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया था, जिसमें बच्चों को पहले प्रोत्साहित उनको जानकारी दी गई कि वनस्पति के बारे में जानकारी दी गई और उनकी उपयोगिता किस प्रकार से रहती है, हमारे जीवन में वृक्ष कितने हमारे सहयोगी हैं, कितने उपयोगी हैं, ठीक है, इस बारे में जानकारी दी गई, बच्चों को प्रेरणा दी गई, फिर वो पौधे अपने लेकर के आए और आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम कराया गया, जिसमें नगर के गणमान्य लोग भी, जैसे अपने विद्यालय के अध्यक्ष सुधीर पोरवाल जी और राजकुमार कश्यप जी और डॉक्टर मुदय प्रताप जी आदि लोग इसमें सम्मिलित हुए और विद्यालय के सभी भैयागणों ने इसमें खूब बढ़ चढ़ करके भाग लिया। आपके में स्कूल के विद्यालय के मिलाना अध्यापक गण और अध्यापकाएँ भी? जी, अपना विद्यालय के स्टाफ, समस्त स्टाफ इसमें थे, अपने आचार्य प्रदीप भारद्वाज हैं, रवि कश्यप हैं और समस्त स्टाफ इसमें सम्मिलित रहा इस कार्यक्रम में।